नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये बेस्ड है ब्लड रिलेशंस पे, जो कि रीजनिंग सेक्शन में आते हैं, और इसके 10 प्रॉब्लम्स मैं लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और एज ए प्रैक्टिस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ ए वुमेन सेड, वुमेन एक लेडी कहती है मैन की फोटोग्राफ की तरफ, क्या कहती है? हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो ये कहती है, और इसको हम वर्ड बाय वर्ड सॉल्व करते हैं। तो मैन हम यहाँ बना देते हैं, उसको बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि मेल है। हिज ब्रदर्स फादर, तो इसका एक ब्रदर पहले बना लेते हैं, ये इनका ब्रदर है। इज द सन, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, तो इनका फादर यहाँ हो गया है। और ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर मतलब कि इनके ग्रैंड फादर होगा, मतलब कि ये जो लेडी है, ये वुमेन है, ये भी यहाँ पर है। ओके, ये वुमेन को सर्कल में डाल देते हैं क्योंकि ये फीमेल है। वुमेन का ग्रैंड फादर यहाँ है, ठीक है। ग्रैंडफादर, ये किसका ग्रैंडफादर है? ये इस वुमेन का ग्रैंडफादर है, ठीक है। हाउ इज़ अ वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? तो मैन हमारा यहाँ था, वुमेन यहाँ है। अभी आप देखिए ये कैसे रिलेशन में है, ये वुमेन इस मैन की सिस्टर है, ठीक है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कमला इज़ द ओनली डॉटर ऑफ सुरेश सिस्टर्स संगीताज ब्रदर, हाउ इज़ कमला रिलेटेड टू सुरेश? ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको वर्ड बाय वर्ड सॉल्व करते हैं। कमला इज़ द ओनली डॉटर, तो डॉटर कमला लेडी है, कमला लेडी है, ये किसकी है ये डॉटर? ये हमें पता नहीं है किसकी डॉटर है, सुरेश की सिस्टर की, संगीता उसके भाई की, ठीक है। तो सुरेश पहले यहाँ बना लेते हैं, उसकी सिस्टर यहाँ बना लेते हैं, और उसके ब्रदर की, ठीक है। तो ये उसका ये ब्रदर हो गया है। सुरेश मान लेते हैं मेल है, और ये सिस्टर फीमेल मान लेते हैं, फीमेल ही है, मानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों भाई बहन हो गए हैं, ठीक है। हाउ इज़ कमला रिलेटेड टू सुरेश, तो कमला ये सुरेश से कैसे जुड़ी है देखिए, ठीक है। कमला सुरेश से जुड़ी है, ये है, ये इनकी नीस हो गई है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गई है, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन में हम लेते हैं, ऑप्शन ये वाला आएगा, दूसरी कंडीशन में लेते हैं कि कमला जो है ये सुरेश है, सुरेश है, उसकी सिस्टर है, और संगीता और उसका ब्रदर, यानी उसका ब्रदर यानी सुरेश ही हो गया है। तो कमला जो इसकी डॉटर हो गई है, ठीक है। तो अगर सुरेश यहाँ पर कंडीशन था कि टू ब्रदर हैं यहाँ पे, तो ये नीस हो गई है। यहाँ कंडीशन है कि वन ब्रदर है, तो इसीलिए डायरेक्टली ये इसकी डॉटर हो गई है, ठीक है। तो ये डॉटर हो गई है, ओके। तो इसीलिए ऑप्शन आएगा इसका नीस और डॉटर। चलिए क्वेश्चन 3 लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ लीशा सेड हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, हाउ इज लीशा रिलेटेड टू दैट मैन? अभी यहाँ पे लीशा के बारे में नहीं दिया गया है कि मेल है या फीमेल, तो नाम अगर लीशा है तो उसको हम फीमेल मान लेते हैं, ठीक है। मैन के फोटो की तरफ देख के बोलते हैं लीशा, ये मैन है, इसकी फोटो की तरफ देख के बोलती है कि हिज मदर्स मदर मदर्स ओनली डॉटर, यानी ये यहाँ पे एक डॉटर है, इज माई मदर, तो यहाँ पे लीशा हो गई, ठीक है। तो लीशा जो है ये मैन से कैसे जुड़ी है, ठीक है। देखिए आप, लीशा जो है ये सीधे उसकी भतीजी हो गई, और जो मैन है ये लीशा का अंकल है, ओके।
तो लीशा को हम फीमेल मान लेते हैं और इसीलिए इसको हम नीस कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली उनको बताना चाहिए कि लीशा मेल है या फीमेल है, तो नाम से हम लीशा को फीमेल मानते हैं और आंसर नीस कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन फोर लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए मैन, मैन है यहाँ पे, नेहा बोलती है, अभी नेहा को हम फीमेल मानते हैं, ही हैज़ नो सिस्टर्स और डॉटर्स। ये जो मैन है इसका नो सिस्टर है नो डॉटर है, बट हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। इनकी जो मदर है ये ओनली डॉटर है ऑफ माई मदर, ठीक है। यहाँ पे भी एक मदर है ये, ठीक है, ऑफ माई मदर मतलब कि, एंड दिस मदर जो है ये ओनली डॉटर है, तो ये जो है ये नेहा हो गई है, ठीक है। तो जो फोटोग्राफ है नेहा की मदर का वो कैसे जुड़ा हुआ है, नेहा की मदर ये है और ये मैन, तो इसमें क्या रिलेशन हो गया है, मैन जो है ये ग्रैंडसन हो गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस्टर एक्स शोज थ्री फोटोग्राफ टू मिस्टर वाई, पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोटोग्राफ वन सेज द पर्सन इन फोटोग्राफ वन इज माई अंकल, हु सेज अंकल टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ टू, एंड द पर्सन इन द फोटोग्राफ थ्री इज कॉल्ड अंकल बाय द पर्सन इन फोटोग्राफ टू, हाउ इज मिस्टर एक्स रिलेटेड टू द पर्सन इन फोटोग्राफ टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है, ये तो जल्दी जल्दी पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो मिस्टर एक्स जो है ये थ्री फोटोग्राफ देता है, दिखाता है मिस्टर वाई को, वन टू थ्री, थ्री फोटोग्राफ, ठीक है। और फर्स्ट फोटोग्राफ को वो आपको ये फर्स्ट वन पी कर देता हूँ मैं इसको, और वन फोटोग्राफ को वो दिखाता है और बोलता है द पर्सन इन फोटोग्राफ वन इज माई अंकल, ठीक है। ये फोटोग्राफ वन में है, ये अंकल है ऑफ एक्स, अंकल है एक्स का, हु सेज अंकल टू द पर्सन इन फोटोग्राफ टू। और ये जो सेकेंड फोटोग्राफ है ये अंकल है ऑफ वन फर्स्ट पर्सन या वन पर्सन का, एंड द पर्सन इन फोटोग्राफ थ्री इज कॉल्ड अंकल बाय द पर्सन इन फोटोग्राफ थ्री। सो जो थर्ड पर्सन है ये अंकल है सेकेंड का, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है, ध्यान रखिए ये अंकल अंकल चल रहा है, सीधे फादर नहीं चल रहा है, ठीक है। हाउ इज मिस्टर एक्स रिलेटेड टू द पर्सन इन फोटोग्राफ टू, अभी एक्स हम यहाँ मान लेते हैं नीचे, ठीक है। जो एक्स हुआ ये क्या हुआ अंकल टू का, एक्स यहाँ है, अंकल टू का क्या हुआ, एक्स हो जाएगा ये ग्रैंडसन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेज हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। सो जो मैन है हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, तो ये फादर बना देते हैं इनका, और ये ओनली डॉटर है, ठीक है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो ये मैन है ये कैसे जुड़ा है इससे वुमेन से, तो ये इनका हस्बैंड हो गया ये, ठीक है। तो ये आसान सवाल है बिल्कुल, इसमें है नहीं तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ अनदर मैन सेज, तो एक मैन बना लेते हैं और ये फोटोग्राफ वाला मैन है, ठीक है। ही इज़ द फादर ऑफ द हस्बैंड ऑफ, ही इज़ द फादर ऑफ द हस्बैंड, तो एक फादर बना लेते हैं ये, जो कि हस्बैंड है किसका, हस्बैंड ऑफ द ओनली डॉटर, ये जो लेडी है ये ओनली डॉटर ऑफ माई grandsons, ये माई मतलब ये वाला मैन, ठीक है। ओनली डॉटर ऑफ माई grandfather's only son, ये ओनली डॉटर है ऑफ माई grandfather's only son, तो grandfather मतलब इसका grandfather मतलब यहाँ पर एक फादर हो गया है, ये ओनली सन और इसका एक फादर हो गया है जो कि, ठीक है,
ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। अभी ये जो ले यहाँ पर ग्रैंडफादर है तो इनका एक यहाँ पर ये सन होगा, और ये सन कौन है, ये वही मैन है जो बता रहा है, ठीक है, ये वही मैन है जो बता रहा है। तो इस फोटो और इसका क्या रिलेशन है, तो ये देखिए, ये जो फोटो है ये फादर इन लॉ हो गए हैं, फादर इन लॉ हो गए हैं किसके, ऑफ सिस्टर, ठीक है, ये जो फोटो है ये फादर इन लॉ हो गए हैं किसके, ये सिस्टर के हो गए हैं, ये सिस्टर है इनकी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ बॉय पूर्णिमा सेज ही इज़ द ओनली सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। तो बॉय एक बना लेते हैं जो मेल है, और पूर्णिमा बोलती है ही इज़ द ओनली सन ऑफ द सिस्टर, सन है सिस्टर का, ऑफ माई ब्रदर, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है, तो ये एक ब्रदर हो गया है। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू पूर्णिमा, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन आ सकता है, या तो ये पूर्णिमा ये हो सकती है, पूर्णिमा ये हो सकती है, या फिर यहाँ पे सिस्टर है, यहाँ पे ब्रदर है, या फिर एक और सिस्टर यहाँ हो सकती है जो पूर्णिमा हो सकती है, ठीक है। तो अगर पूर्णिमा यहाँ पर है तो ये बॉय जो पूर्णिमा का क्या होगा, ये बॉय हो जाएगा सन, लेकिन अगर पूर्णिमा यहाँ है तो बॉय क्या हो जाएगा, ये नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास, इसीलिए हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन में मार्क करेंगे, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू प्रीति फादर ऑफ रीशु सेज, तो प्रीति एक बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये लेडी है, रीशु के फादर बोलते हैं, फादर रीशु नहीं बोलते, रीशु के फादर बोलते हैं। शी इज़ द डॉटर ऑफ द डॉटर ऑफ द, मतलब ये डॉटर है इसकी, और जो एक और डॉटर है किसी की, ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली सन, डॉटर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ, ये इसकी डॉटर है, इसकी डॉटर है, और ये जो है ये वाइफ है ओनली सन की, सन किसकी है, ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर, ठीक है, ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर, ये जो है ये ओनली सन है, ये किसका है, ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर, मतलब यहाँ जो इसका जो फादर होगा ये हुआ ग्रैंडफादर किसका, सिस्टर का, यानी यहाँ पर दो बना सकते हैं, तो ये एक सिस्टर हो गई है, और यहाँ पर ये है रिशु फादर, ठीक है। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, शी इज़ द डॉटर ऑफ, ठीक है, वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ माई सिस्टर, ठीक है। तो ये रिशु फादर बोल रहा है ऐसा, तो रिशु इसके नीचे हो गया है, ठीक है। हाउ इज सुषमा रिलेटेड टू प्रीति, सुषमा कौन है पता नहीं है, अब सुषमा यहाँ दिया है, इज़ द सिस्टर ऑफ रिशु फादर, तो सिस्टर ऑफ रिशु फादर मतलब ये सुषमा हो गई है, ठीक है, और ये प्रीति से कैसे जुड़ी है। अब इसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी सन और डॉटर हैं, और इधर एक डॉटर है, ठीक है, यानी इनके यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, तीन यहाँ पे सन एंड डॉटर हैं। अगर ये वाला केस है तो ये जो सुषमा है ये प्रीति की आंट हो गई है, ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर मान लीजिए इसको अगर हम यहाँ बनाते हैं, अगर हम ये अगर सिर्फ तीन की जगह दो ही बच्चे हुए, तीन
तीन की जगह, ये तीन की जगह अगर दो ही बचे हुए, यानी कि ऐसे ऐसे और ये प्रीति और ये इनके हस्बैंड, और इनकी जगह ये जो है, इनकी जगह अगर ये रिशु फादर हुए और ये जो उनकी सिस्टर वही थी, तो सुषमा यही होगी। तो सुषमा और प्रीति का क्या रिलेशन हुआ? सुषमा इनकी मदर हो गई, ठीक है। सो दो कंडीशन बन रही है, एक कंडीशन ये वाली है, दूसरी कंडीशन ये वाली है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे पढ़ के तो ये वाला कंडीशन में आएगा, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी में दो आंसर हैं, एक आंट और दूसरा मदर। सो आंसर इसका कैन नॉट से, ओके, मदर या आंट दोनों हो सकता है, तो कैन नॉट से इसका आंसर हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो का। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन ए फोटोग्राफ, ए मैन सेज, तो वुमेन जो है ये फोटो वाली, वुमेन है ये फोटो वाली, इसकी तरह पॉइंट करके आदमी बोलता है, शी इज़ द मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब कि ये उसकी डॉटर हो गई है, ये उसका हस्बैंड हो गया है, ये मदर इन लॉ है इसकी, मदर इन लॉ है इसकी, मदर इन लॉ ऑफ द हस्बैंड ऑफ द ओनली ग्रैंड डॉटर, मदर इन लॉ हस्बैंड की ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ माई ओन, ये ग्रैंड डॉटर हो गई है, ऑफ माई ओन मदर इन लॉ। ओन मदर इन लॉ मतलब कि इसका जो हस्बैंड है ये इसकी मदर इन लॉ हो गई है, ठीक है। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, ये वुमेन इस मैन से कैसे जुड़ी। आप देखिए सीधा ये जो वुमेन है ये इसकी वाइफ है इसकी, ओके। सो ऑप्शन हमारा टू करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।